अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी प्रैक्टिकल्स में मार्क्स कैसे मिलने हैं। पहले तो प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होते हैं ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। आप चाहे नहम में सॉरी आप चाहे मैट्रिक में हैं चाहे इंटर में हैं, फिज़िक्स के हमेशा 30 मार्क्स होते हैं, केमिस्ट्री के भी टोटल 30 होते हैं, बायो के भी 30 होते हैं, कंप्यूटर के 50 मार्क्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिक में आपके कॉम्बिनेशन 3 सब्जेक्ट्स का होता है, तो फिज़िक्स बायो केमिस्ट्री 90 बनते हैं, या अगर कंप्यूटर साइंस है बायो की जगह तो फिर 110 नंबर वो बन जाते हैं, ठीक है, 20 नंबर का इंक्रीमेंट होता है। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि इनमें से 15 नंबर पार्ट वन के होते हैं और 15 नंबर ही पार्ट टू के होते हैं फिज़िक्स में। सेम केमिस्ट्री एंड बायो में भी होता है, और जो कंप्यूटर है उसमें 25-25 मतलब हाफ ऑफ मार्क्स ही होते हैं। अब ये वाले जो मार्क्स हैं ना, ये तो सबको ही मिलने हैं, ठीक है, मतलब ये बोर्ड की तरफ से कि ये वाले मार्क्स सबके ऐड होंगे, जबकि इन मार्क्स में हमने क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। अब हम सपोज कर लेते हैं एक सब्जेक्ट लिया फिज़िक्स, मैट्रिक में फिज़िक्स में टोटल 60 मार्क्स होते हैं 9th क्लास में, ठीक है। चूँकि आप हम 9th का क्यों ले रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि आपके इस दफ़ा जो 10th में मार्क्स होंगे फिज़िक्स में वो हमें पता ही नहीं होंगे, ठीक है, वो 3% ओवरऑल इंक्रीमेंट मिल जाना है हमें, तो उसका तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 10th में टोटल मार्क्स क्या होंगे। इसलिए हमारे जो पार्ट वन के मार्क्स होंगे उस बेस पर ये कैलकुलेशन होनी है, 60 नंबर, इंटर में होते हैं 85 नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के 9th में जो मार्क्स थे वो 40 थे आउट ऑफ 60, और इंटर में थे उसके 60 आउट ऑफ 85, तो 9th में वो कैसे कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, 40 को 60 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे फिज़िक्स में परसेंटेज मार्क्स आ गए। इस परसेंटेज मार्क्स का आपने जो हाफ रिमेनिंग 50% मार्क्स होंगे 15 में 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, आपने 100 से कैंसिल आउट किया तो ये 10 मार्क्स बने। और चूँकि 50% ये वाले मार्क्स तो सबको मिलने थे, तो ये 15 मार्क्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, टोटल 25 मार्क्स हो गए। अब एक मैंने आसान सा फार्मूला बना दिया, कोई भी बच्चा इसको यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकता है, ये कि आपके जो ऑब्टेंड मार्क्स हैं सब्जेक्ट में और टोटल मार्क्स उस सब्जेक्ट में जितने थे उसको मल्टीप्लाई कर देना अपने 50% मार्क्स इन प्रैक्टिकल, मतलब 50% मार्क्स मैंने ये मेंशन किए हैं, फिजिक्स के 15 होते हैं, केमिस्ट्री के भी 15, बायो के भी 15, अगर कंप्यूटर वाला ग्रुप था तो उसके 25 नंबर होते हैं, तो ये 50% मार्क्स यहाँ पे जाएंगे, और प्लस आपने कर देना वही 50% मार्क्स को, ठीक है। अब इसका सिंपल वे, मैंने FSC में मैंने कहा था 60 आउट ऑफ 85 है, तो इसका मैंने यूज़ FSC में कर दिया। आप देखें 60 इसको डिवाइड कर दिया, FSC 85 मार्क्स होते हैं फिज़िक्स के, मल्टीप्लाई कर दिया फिज़िक्स में 15 होते हैं, प्लस मैंने दोबारा क्या कर दिया 15 कर दिया, तो 11 प्लस 15 ये 11 आंसर आया, ये 15 ये 26 मार्क्स आपके क्या होंगे प्रैक्टिकल में। सेम कंप्यूटर वाले क्या करेंगे, यहाँ पे उनके जो मार्क्स होंगे 15 के बजाय वो 25-25 होते हैं, यहाँ भी 25 आएगा यहाँ पे। तो इस सिंपल से फार्मूले को यूज़ करते हुए आप प्रैक्टिकल में भी अपने मार्क्स को काउंट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे फेसबुक पेज दी एम्बिशियस एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।